तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु एक बार आते हैं वो दूसरी बार जरूर आते हैं। तो आज हम जा रहे बनासकांठा जिले के थरात तहसील में, एक गांव है जिसका नाम है गेला। तो अब हम मंदिर आ गए, तो चलिए पहले हम आपको हनुमान दादा के दर्शन करवाते हैं। आज गुरुवार है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, अगर शनिवार को आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मान्यता लेके आता है उनकी मान्यता जरूर पूरी होती है। और यहाँ की कहानी ये है कि 50-60 साल पहले थरात के आसोडर मत के तपस्वी महंत हरदेव पुरी जी महाराज यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पर चढ़ाए गए नारियल में से प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दिया था, जिससे सभी बच्चे बीमार पड़ गए थे। फिर बच्चों ने हनुमान दादा के पास नारियल चढ़ाने की अनुमति मांगी, परंतु दादा ने अनुमति नहीं दी, जिससे असोडर मठ के तपस्वी महंत हरदेवपुरी महाराज जी ने हनुमान जी को उलाहना दिया कि यदि बच्चों को नारियल का प्रसाद दिए जाने से आपके नारियल कम हो जाते हैं तो आप यहाँ नारियल के ढेर करके बताएं। उस दिन से यहाँ कोई नारियल फोड़ता नहीं है। दशक बीत गए, हालात बदले, पर यहाँ नारियल का ढेर बढ़ता ही गया। अब तो यह पहाड़ सा बन गया है, आप खुद देखिए कितने सारे नारियल हैं। और खास बात यह है, आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ इतने सारे नारियल हैं पर किसी में से बिल्कुल भी गंध नहीं आएगी, बिल्कुल भी गंध। नारियल थोड़े टाइम के बाद उसमें से गंध निकलती है, पर इसमें से बिल्कुल गंध नहीं आएगी आपको। यही यहाँ का चमत्कार है। और कहते कि यहाँ पे जो भी आप मान्यता लेके जाओगे आपकी जरूर पूरी होगी। तो हमने यहाँ आके गांव के लोगों से और दुकानदारों से पर्सनली ये सवाल किया कि हमको यहाँ के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु एक बार आते हैं वो दूसरी बार जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप अपने मन में कोई बात लेके आते हैं या कोई मान्यता लेके आते हैं तो वो हनुमान दादा जरूर पूरी करते हैं। और हमने भी मिलके फिर यहाँ पे नारियल चढ़ाने का लुत्फ उठाया। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पे दर्शन करने आना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो बोलिए नारियल वाले हनुमान दादा की जय।